मिसाल के तौर पे एक कारपेंटर है, एक मिसाल दे रहा हूं, वो कारपेंटर है, वो नाकाम हो गया कारपेंटर के तौर पर, उसको बिजनेस नहीं मिल रहा है, उसके पास खाने पीने के प्रॉब्लम हो गए, अब आदमी बैठ के बोले अपने नसीब को कोसे तो कुछ नहीं सीखने वाला है। उसे सीखना चाहिए कि क्या चीज है मार्केट में लेटेस्ट चीज जो मार्केट में चल रही है, जो चीज का मैं माहिर बन जाऊं। माहिर मतलब इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि तुम पीछे वाले रहो, नमाज पढ़ने जाओ सबसे आगे की फर्स्ट सफ में फर्स्ट पहुंचो, ये सिखाया गया हमें। सदका दो, ऐसे सदका दो कि सीधा हाथ क्या दे रहा है उल्टे हाथ को भी पता ना चले, तो अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। जो चीज कर रहे हो, अल मुहसिन युहिब्बुल इहसान, अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नामों में से नाम है अल मुहसिन। मुहसिन का मतलब है एहसान करने वाला। एहसान करने वाला एहसान को पसंद करता है। एहसान किसे कहते हैं? मतलब जो कर रहे हो बेस्ट करो, जो कर रहे हो बेस्ट करो। कारपेंटर हो बेस्ट कारपेंटर बनो, पढ़ाई कर रहे हो बेस्ट पढ़ाई करो, मैनेजर हो तो बेस्ट मैनेजर बनो, और झाड़ू मारे हो तो बेस्ट झाड़ू मारो। अल्लाह को पसंद है, इन अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। खूबसूरती को पसंद करता है मतलब कौन सी खूबसूरती? चमड़ी वाली खूबसूरती नहीं, कौन सी खूबसूरती को अल्लाह पसंद करता है? मतलब जो चीज हो वो बदर्जे कमाल हो। ईमान हो तो खूबसूरती, खूबसूरत ईमान। नमाज पढ़ो तो खूबसूरती से नमाज पढ़ रहे हो, सदका दे रहे हो खूबसूरती से दे रहे हो, मैनेजर हो तो खूबसूरती से मैनेज कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हो तो खूबसूरती से झाड़ू मार रहे हो। जो चीज कर रहे हो बेस्ट दर्जे पे कर रहे हो तो अल्लाह को ये बहुत पसंद है, और फिर इसको अल्लाह रिजल्ट देता है। और जो है ना यरज़ुकु मिन हैथु ला तहसब, वहां से रिज़्क़ देता है जहां से सोच नहीं सकता है। अपने अंदर बदर्जे कमाल वो सलाहियत पैदा कर दो, वो इल्म हासिल कर लो, वो चीज सीख लो, तो अल्लाह ताला तुम्हें वहां से देगा जहां तुम अभी सोच नहीं सकते। तुम अभी सोच नहीं सकते कि कहां से आएगा क्या होगा, करो, करने पर है। देगा कैसा अल्लाह, वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। वो अल्लाह कहां से देगा अल्लाह पे छोड़ दो, वो चीज की फिक्र करके आदमी करता ही नहीं है। अरे पढ़ के क्या होने वाला है, पढ़ के क्या होने वाला है, फिर नहीं, फिर कुछ होना है तो भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अल्लाह जानता है क्या होने वाला है, वो अल्लाह पे छोड़ो, वो टेंशन मत लो, नताइज का टेंशन। यरज़ुकु मिन हैथु ला तहसब, जहां से तुम सोच नहीं सकते वहां से अल्लाह रिज़्क़ देगा। अब नताइज के टेंशन की वजह से आदमी काम ही नहीं करता है। आदमी को जो करना चाहिए मुस्बत तौर पर वो नहीं करता है। यहाँ फेलियर की का, ये फेलियर की है कि आदमी जो करना चाहिए वो नहीं करे और बोले कि अल्लाह क्या होगा पता नहीं, क्या होगा। तुम्हारा काम ही नहीं है सोचना, तुम्हारा काम ही नहीं है सोचना कि क्या होगा। तुम्हारा काम है कि क्या करना है मुझे, मुझे क्या करना है, मैं करूं, क्या होना है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अल्लाह तो वहां से देगा जहां से मैं सोच नहीं सकता, तो मैं सोचू ही क्यों उसमें, एक लिमिट तक सोचेंगे फिर बाकी छोड़ दिए, वो हमारा काम ही नहीं है। मेरा काम है मुझे करना क्या है, शरीयत क्या है, करना क्या है।